लात देकर किसान की पगड़ी उछालने के मामले में पीड़ित पक्ष और विधायक भी आए सामने। चित्तौड़गढ़ जिले के बेगू विधायक राजेंद्र सिंह विदोड़ी का एक सोशल मीडिया पर वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है, जिसमें किसान को लात देते हुए दिख रहे हैं और उसमें लात में उनकी पगड़ी उछल कर दूर जाकर गिर रही है। इस मामले को लेकर पीड़ित पक्ष सामने आया है, जिसमें चित्तौड़गढ़ जिले के कंदेलिया गांव का रहने वाला किसान है लोबीराम गुजर हैं। किसान का कहना है कि काम करवाने गया था लेकिन पगड़ी उछाल कर मेरी इज्जत खराब की। वहीं किसान के बेटे मुकेश गुजर ने कहा कि वीडियो 2021 का ही है। मैं नाल होटल पे गया, मुकेश ने मारा सोरन मार दी। होटल पे जा रहे दिल्ली साहब ने कहा जान मार क्या मंजी भाई, कभी मांगो काम कर दो, पगड़ी मिली जो पगड़ी के दी लाद की जो एक मेरी सीट जा रही थी। सबसे बाद में मन भगत दिया गया कुत्ता कुत्ती भी क्यों माने वापस मैं उड़ाया भाषा वहां घर आ गया भाषा घर बेड़ गया भाषा और फिर बेटा वरना का 4 साल हो गया मारे ने तो कोई नहीं मांग बगिया ने तो नहीं वही मारा की नहीं राजनीति में फिर भी और काम न हो अरे गुजर समाज को मान है मारे मैं असली गुजर हूँ मुई अरे मारी गरीब की आप मदद करो तो मुई थोड़ा बताऊ तो नियम बहुत क्यों जाने की मुकेश गुजर हूँ गंदेले वाला। हम पापा दोनों मैदान रेस्टोरेंट में गए थे और विदुर साहब से माफी मांगी भाई हमारा ये न्याय कर दिलाओ, तो उन्होंने क्या पगड़ी पे लात मारी। उन्होंने पूरी गुजर समाज हो हमारा साथ दो, हमारे साथ रहो पूरी मेवाड़ की जनता हो, तो हमारा विदुर साहब ने कुछ भी नहीं किया काम और उल्टी लात मारी हमारी पगड़ी पर, गुजरों की पगड़ी पर। दूसरी तरफ विधायक बेगू राजेंद्र सिंह विदुड़ी ने इस मामले को लेकर अपने सोशल मीडिया और खास तौर से फेसबुक अकाउंट पर वीडियो जारी किया है। उसमें उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की छवि धूमिल करने का ये प्रयास है और जो इस को लेकर वह मानहानि का मुकदमा दर्ज करवाएंगे। मामले में विधायक ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो जारी कर अपना ये जो 2021 का वीडियो डाला ये सब एडिक्टेड है, फेक है। ऐसा ना मैंने किसी को साथ दुर्व्यवहार किया है ना किसी को अपमानित किया है, ये सब एडिक्टेड करके डाला है। ये व्यक्ति मुझसे मिलने आया था तो मुझे कहने लगा कि अचानक इसने अपनी पगड़ी जमीन पर रख दी। मैं आगे बढ़ रहा था, मैंने कहा पगड़ी उठाओ और बांध के फिर मुझसे बात करना। तो बांध के बाहर मुझसे जब गेट के बाहर बात की तो इसने मुझे कहा कि मेरा बेटा किसी की बेटी को नाता नहीं है, नाते के मैंने 7 लाख रुपये दिए और लड़की भी वापस चली गई। मैंने कहा बाल विवाद नाता पड़ता कानूनी अपराध है, आप पुलिस में जाओ, मैं जो भी चीज़ें हैं सामाजिक स्तर पर ठीक रखो। तो इसने कहा कि नहीं मैं पुलिस में आप फ़ोन कर दो। मैंने कहा मैं पुलिस में फ़ोन नहीं करता किसी के खिलाफ भी, आप जाओ और कानूनी कार्रवाई करनी है तो सामाजिक स्तर पर भी करो और अपने आप इस चीज़ को सुलझाओ। इतना कह के मैं निकल गया। उसके बाद ये सब एडिक्टेड करके 2 साल पुराना वीडियो को मेरी छवि खराब करने के डाल रहे हैं, क्योंकि मैं चुनाव जीत रहा हूं और कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बना रही है। विरोधियों को ये चुनाव के दिन ये मौके पे नकली वीडियो डालने की एडिक्टेड वीडियो डालने का चलन होता है। सोशल मीडिया पे तरह तरह के वीडियो हर किसी के खिलाफ आते रहते हैं। मैं इस वीडियो के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करूँगा, किसने भी डाला है और मेरी छवि खराब करने की कोशिश की है। मैं फिर जनता से अपील करता हूँ ऐसे झूठे और फेक वीडियो पर विश्वास नहीं करें और राजनीति में ये आए दिन चुनाव के टाइम ये सब चलता रहेगा। अक्सर कहा है विधायक ने कहा कि ये फेक न्यूज़ हैं, एडिट करके वीडियो बनाए हुआ है जिसे सोची समझी रणनीति के तहत अब सोशल मीडिया पर डाला। तो आपने देखा विधायक की बात भी सुनी, पीड़ित की बात भी सुनी और अब इस मामले को लेकर पूरे राजस्थानी नहीं बल्कि देश भर में इस वीडियो की काफ़ी चर्चा हो रही है। यह वीडियो काफ़ी ट्रोल हो रहा है और भाजपा के नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने भी प्रतिक्रिया दी है, ट्वीट किया है। उसमें उन्होंने कहा है कि राजस्थान में पगड़ी को आन बान शान और सम्मान से माना जाता है, ये हमारी संस्कृति और परंपरा है जिसे हर प्रदेशवासी जुड़ा है। अपने पैरों से बुजुर्ग की पगड़ी उछालते हुए बेगू से विधायक और कांग्रेस नेता राजेंद्र सिंह विदुड़ी का वीडियो भले ही पुराना हो पर ऐसा अमानवीय व्यवहार अक्षम्य है, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। यह वीडियो जनता के सम्मान के प्रति कांग्रेस की मानसिकता और राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान की असलियत को दर्शाता है। जनता इस अपमान का बदला आने वाले चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के जरिए जरूर देगी। इसी तरह राज्यवर्धन सिंह राठौड़
ने सांसद ने भी कहा है कि अपने ट्वीट में लिखा है कि राजस्थान की आन बान शान की पगड़ी को कांग्रेस के विधायक द्वारा इस तरह लात मारकर फेंकना और बुजुर्ग जो हर तरह से पूजनीय होते हैं उन्हें इस तरह दुत्कारना कांग्रेस पार्टी के ही संस्कार और संस्कृति में है। राहुल गांधी जी जो दिल में मोहब्बत की दुकान लिए फिरते हैं यह उसकी असली तस्वीर हैं। राजस्थान की जनता ने बेइज्जती का कड़वा जो घूंट पी लिया है, अब प्रदेश से कांग्रेस पार्टी का अंत तय है। इस तरह सोशल मीडिया पर भी अलग अलग लोगों द्वारा भी इसे ट्रोल किया जा रहा है और इस घटनाक्रम को लेकर निंदा व्यक्त की जा रही है। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5-स्टार होटल, राजसमंद जिले की एकमात्र 5-स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।